मिथुन राशि, आज क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। करियर के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी और रुका हुआ धन भी पाएंगे। किसी को भी आहत करने वाले शब्द बिल्कुल मत बोलिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप करके दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 60% अंक देता है, इसलिए आज संबंधों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तुला राशि, आज के दिन करियर के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। आकस्मिक रूप से धन प्राप्त होने का योग भी बन रहा है। बदलते मौसम का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखिएगा। आज किसी गरीब व्यक्ति को आर्थिक मदद कर दिन के सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज आपके सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, आज आपका अपने मित्र अथवा उच्चाधिकारियों से थोड़ा अनबन हो सकता है। भूमि और ट्रांसपोर्टेशन के व्यवसाय में हमारे वे जो दर्शक हैं उन्हें आज विशेष लाभ होगा। आज आपको निश्चित रूप से विनम्रता रखनी होगी। भगवान शिव को आज विजया अर्पित कर सभी मनोरथ पूर्ण करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा मानसिक उलझन के साथ साथ पारिवारिक असंतोष दे सकता है। हालांकि किसी कार्य विशेष के लिए सफल यात्रा भी कराएगा। लाभ के लिए लालच आज बिल्कुल मत करिएगा। आज 11 बार कम से कम ओम नमः शिवाय कहते हुए दिन का प्रारंभ करिए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, शिवलिंग को लेकर कई नियम आपने तो बताए, लेकिन एक और लोगों के मन में सवाल ये होता है कि अगर कोई अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कराते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या ऐसे परिवार कभी भी अपना घर खाली नहीं छोड़ सकते, या फिर ये कहा जाए कि वो नियम आखिर किस तरह के होते हैं? जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आम लोगों के मन में भी होता है कि अगर शिवलिंग रखे हैं तो रोज अभिषेक कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। यहाँ स्वाभाविक रूप से आपके मन में यह आ सकता है कि शिवलिंग रखने के बाद तो कहीं आप आ ही जा नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शिवलिंग रखकर निश्चित रूप से अपने कार्य हेतु जा सकते हैं। देखिए, मजबूरी और मनबढ़ई में अंतर होता है। भगवान शिव आपकी मजबूरी और मनबढ़ई दोनों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि आप शिवलिंग घर में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको जलाभिषेक करना चाहिए, लेकिन यदि किसी आवश्यक कार्य से घर से बाहर जाना हो तो यह प्रयास करें कि कोई न कोई जलाभिषेक नियमित करता रहे, और यदि यह संभव न हो सके तो पत्थर अथवा पीतल से बने कटोरी लीजिए और उस पात्र में शिवलिंग को रख दीजिए और अच्छी तरह से जलाभिषेक करके उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। भगवान शिव से यदि आप बाहर जा रहे हैं तो यह प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मुझे आवश्यक कार्य हेतु कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है और इस दौरान मैं जलाभिषेक नहीं कर पाऊंगा, कृपया मुझे क्षमा करिएगा। यह प्रार्थना कर आप अपने कार्य हेतु बाहर जाइए, न केवल आपका कार्य सिद्ध होगा अपितु भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा।